चलो भाई यार, सबसे पहले तुम्हारी बारी है। चलो जी, आ जाओ सारे बाहर, आ जाओ जल्दी जल्दी से बाहर, आ जाओ जल्दी जल्दी से, शाबाश जल्दी जल्दी से, माशाल्लाह। ये देखें तुम्हें कितनी बड़ी जल्दी थी। आज 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 सारे आज, चलो तुम भी नीचे आज। दोस्तों ना, सबसे पहले ना मैंने अपने कबूतरों को खोला है। पहले इसमें इसको सबसे लास्ट में खोला करता था, लेकिन आज जैसे ही ऊपर आया हूँ ना, मैंने कहा आज सबसे पहले कबूतरों को खोलते हैं। और माशाल्लाह तकरीबन सारे बाहर आ भी चुके हैं। और चलो यहाँ पर फिरते रहो, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, इनके ना मैं दाना पानी डाल देता हूँ। आज दोस्तों सबसे पहले मैंने इसलिए निकाला क्योंकि क्या होता है जब मुर्गियाँ निकालते हैं ना, तो मुर्गियाँ इनको मारती हैं तो सही खाने भी नहीं देती, तो इसलिए मैंने कहा आज इनको पहले निकालता हूँ और इनको यहीं पे दाना पानी डालता हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से ना पहले ही खा लें। ठीक है, अभी ना मैं इनको यहाँ पे दाना डाल देता हूँ। ये देखिए, अभी ये मुर्गियाँ निकलने से पहले ना यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से खाना वगैरह खा लेंगे। ठीक है, और जब हमारी मुर्गियाँ निकलेंगी ना तब तो ये अच्छे से एक खा चुके होंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, मैं यार ये भी रहता, तुम लास्ट में निकले हो, तुम क्या कर रहे थे। चलो चलो जल्दी खाओ, वो खा जाएंगे सारे, जल्दी चलो 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 चलो, भागो 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 भागो, चलो चलो भागो भागो, जल्दी करो, वो खा जाएंगे सारे, खा जाएंगे, भागो भागो। कैसे भागता के हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जाके ना पिगन के बच्चे चेक कर लेते हैं कि यार उनकी क्या सूरत हाल है। ठीक है, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओए ये तो बड़ा भारी हुआ पड़ा है, बड़ा हो गया ना। ये देखिए माशाल्लाह पिगन के बच्चे कौन से हैं दोस्तों इसके, ये देखिए पर निकलने स्टार्ट हो गए हैं और माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा भी हो गया। अभी इसके पर मुकम्मल तो नहीं है लेकिन निकलने स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरा हमारा भी दोस्त कौन सा है ना दोस्तों, वो भी छोटा सा ही है। और ये पीछे चलो, ये पीछे चलो, अंदर दो, देखिए दूसरा हमारा वो कौन सा ना, वो भी छोटा सा ही है। देख रहे हैं इसमें चोंच लगाऊंगा ना, देखिए कैसे कहेंगे मैं फीड करवा रहा। ये देखिए ऐसे लगता है फीड करवा। अभी ये ना इनका पेट भी भरा है, इनकी पोट भी फुल है, तो इनको छोड़ते हैं। माशाल्लाह देखे बच्चे बिल्कुल एक्टिव है और सेहतमंद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है और तकरीबन सब तरफ ना सुकून ही सुकून है। इतना सुकून होता ना आजकल जब भी सुबह उठते हैं ना, और इतना सुकून मिल रहा था क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है और मौसम बहुत प्यारा हो गया। कल बारिश भी हुई थी जिससे मौसम बहुत प्यारा दोस्तों हो गया था। अभी भी देखें दोस्तों कितने बादल हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम लग रहा है देखें। और उम्मीद है आज फिर बारिश आनी है। अभी सूरज हमारा कौन सा बादल पीछे छुपा हुआ है और यहाँ पर देखे बादल छाए हुए, इधर नहीं है, हल्की हल्की हैं देखें, लेकिन बाकी ना सब तरफ बादल ही बादल और उम्मीद है बारिश आएगी। और दोस्तों एक पूरा हफ्ता बताया हुआ है कि बारिशें आनी ही आनी है, तो पूरा हफ्ते में यार दोस्तों मौसम बहुत प्यारा होने वाला है। जब पूरा हफ्ता बारिश आएंगी ना तो ये समझ ले यार सर्दियाँ आ जानी है। ठीक है, उस टाइम सर्दियाँ आ जाएंगी हफ्ता बारिश हुई तो। ठीक है, और शुक्र है हमने अपने कौन से पिगन है ना इनको वहाँ पर शिफ्ट कर लिया ताकि यार वहाँ पर ना ये महफूज रहें। ठीक है, अभी ये यहाँ पर खा रहे हैं दाना, इनके देखते हैं इनका पानी पड़ा हुआ था कि नहीं पड़ा हुआ था, वरना इनको प्यास लगी। ये देखिए पानी पड़ा हुआ, पानी पीन कर रखते हैं यार वहाँ पर। ये लो जी, ये रहा तुम्हारा पानी, ये लो अब ये पानी पी लेंगे, खाना भी खा लेंगे अच्छे तरीके से। जब वो निकालेंगे ना तब तो इन्होंने ना खाया पिया होगा। ठीक है, मैं आपको ना मास्टर केज की अपडेट दे लेता हूँ माशाल्लाह से। दोस्तों मास्टर केज में यार काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटी भी हो रही हैं। वो कौन से, उस पर तीन बच्चे थे दोस्तों, वो तीन ही हैं। ठीक है, कल मुझे डर लग रहा था, जैसे हमारे दोस्तों तीन पैरेट के बच्चे मर गए थे ना, तो मैंने डर लग रहा था यार वो छोटे वाला फिर ना मर जाए, लेकिन क्या है दोस्तों वो मरा नहीं है, वो ठीक ठाक है और माशाल्लाह अच्छी तरीके से ना अंदर रह रहा है, और तीन माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और अल्लाह करेगा वो ठीक रहेगा भी सही। और दोस्तों जो हमारी दूसरी फीमेल है ना ये वाली, इसने अभी तक बच्चे नहीं निकाले और उसने ना सिर्फ अंडे दिए हुए हैं। ठीक है, उसकी भी चार अंडे हो गए हैं और उसकी भी चार अंडे, इसने भी बच्चे निकालने के, अभी तक बच्चे निकाले नहीं हैं। ठीक है, और बाकी माशाल्लाह पैर लग रहे हैं दरम्यान वाली फीमेल, अभी ये दो धोते बैठे हुए हैं काम देखो। और कॉकटेल की डोली फिर अभी तक नहीं लगी, तो ये बहुत लेट का मोरा कॉकटेल हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, देखें आवाज़ सुन रहे होंगे कॉकटेल की, देखिए माशाल्लाह। दोस्तों मास्टर केज में हमारी काफ़ी रौनक हो रही है माशाल्लाह से, और बहुत जल्दी यार इनकी मैं डोली भी ले आऊँगा, बस जहन में ही नहीं रहती। ठीक है, और हमारे ये पौधे माशाल्लाह देखें कितने फूल खिले हैं इनके अंदर, आज ये खिलना दोस्तों ये वाला, और खिलना है ये वाला, बाकी सारे खिल के मुरझा चुकी हैं। और हमारा इस पर भी दोस्तों खिला था फूल, ठीक है, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया, बाकी भी खिलते हैं माशाल्लाह बहुत प्यार लगता है। ये किसने तोड़ दिया यार, ये देखिए टूटा हुआ है, ये कह रहे टूट गया यार, हमने कोई बर्ड निकाला भी नहीं है, हमारा कोई बर्ड इधर गया भी नहीं है, तो ये टूट कैसे गया।
ये समझ से बाहर है, कहता कोई और बर्ड आया हो ना यहाँ पर, लाजमी सी बात है कि टूटा हुआ है। अब पता नहीं कौन सा बर्ड आया वैसे में यार, ये तोड़ा होगा। तो खैर दोस्तों, अभी सामने देखे ना वो कॉलेज की छत पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे ये कबूतर बैठा हुआ है। अब ये पता नहीं किसका आया हुआ कबूतर और किसका बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे सब ने बहुत सारा लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं, ठीक है। अभी वो सामने कबूतर आया हुआ, पता नहीं वो किसका है, ऊपर आके बैठ तो गया। पकड़ने की कोशिश मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी इसको, क्योंकि पिछली दफा पकड़ने लगे थे हमारे कबूतर उड़ गए थे। तो नहीं, हमारे कबूतर यहाँ पे अच्छे से खाते पीते हैं, ठीक है। और जब उस कबूतर का मूड होगा ना, वो खुद ही आके बैठे, हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, निकालने की। और दोस्तों आपको आज एक और चेंजिंग लग रही होगी, वो दोस्तों चेंजिंग क्या है दोस्तों, यार हमारी छत चेक करो माशाल्लाह, देखें यार सारी साफ हो गई है, बिल्कुल क्लीन, कोई गंद नहीं है यार, देखें माशाल्लाह सारी साफ हो गई है, देखें कोई गंद नहीं रहा वहाँ पर, वरना इतना गंद था यहाँ पर और इतना ज़्यादा कचरा यहाँ पर फैला हुआ था। और देखिए माशाल्लाह से आप बिल्कुल कौन सा है ना, बिल्कुल साफ हो गया है। और दोस्तों एक और बात भी, वो भी आपने नोट नहीं की, ये देखें वो नोट क्या नहीं की दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से हमारे सेटअप आपने नहीं देखे यार, हमारे सेटअप कम्प्लीट हो गए हैं यार, आपको पता ही नहीं है। ये वाला पिंजरे मैंने ऊपर उठा के रख दिया, मैंने कहा यार इसने वहाँ पर क्या पढ़ना है, वैसे जगह गिरी हुई है, तो उसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर ना अच्छे से पड़ा रहेगा। और इसके अंदर मैंने क्या रखी है अभी फ़िलहाल के लिए ना, इसके अंदर दोस्तों मैंने सारी ना डोलियाँ रख दी हैं, मैंने कहा जब पता होगा ज़रूरत होगी ना हम यहाँ से उठा लिए करेंगे, वरना दोस्तों इधर उधर ना पड़ी रहती हैं तो पता ही लगता कहाँ पड़ी हैं और घूम जाती हैं, पता ही नहीं लगता, ठीक है। और दोस्तों माशाल्लाह से हमारा सेटअप माशाल्लाह बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है, दरवाज़े फिक्स हो गए हैं, ये भी फिक्स हो गया है, ठीक है, दरवाज़ा और अंदर से जाली भी, ये मैंने ये रखा हुआ है। बस दोस्तों वो लास्ट जो जाली बड़ी हुई है ना, उसको बस मैंने काटना है और इसके अंदर ना मिट्टी फेंक देनी है, ठीक है, फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। और उस सेटअप को दोस्तों मैंने एक ही बना दिया यार, पहले दिल था मैं दो बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने ना एक ही बनाया और उस साइड पर ना वो मैंने बंद कर दिया बिल्कुल, ठीक है। अब वहाँ पर दरवाज़ा नहीं लगेगा, वहाँ पर वो भी फिक्स हो गया, बाकी सब भी फिक्स हो गया, ठीक है। छत का भी काम हो गया, बस छत पे क्या रह गया दोस्तों, बस दोस्तों मुकम्मल बिल्कुल मुकम्मल हमारा सेटअप बन गया, बस छोटा मोटा काम ही रह गया। वो दोस्तों क्या है कि यार ये शीट रहती है, शीट कौन सी है ना हमारी, ये थोड़ी ख़राब है, तो मैं भी सोच रहा शीट कहाँ से ले, लेकिन शीट मुझे मिल नहीं रही थी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ यार शीट भी क्या करनी है, छापर ले आते हैं बड़े वाला, वो इसके ऊपर लगा देंगे तो वो बहुत बेहतर रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। शापर लगा देंगे साइडों पर ना, ईंटे वाले गद्दे लगा लेंगे, फिर वो शापर भी उड़ेगा नहीं, महफूज भी रहेगा और उसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। और दोस्तों बाकी जो मटेरियल था ना हमारा, मटेरियल बाकी हमारा ये बचा है, ये दो लकड़ियाँ, ये वाली और ये लकड़ियाँ, ठीक है। ये दरवाज़ा मैंने बनाया था और ये बचा हुआ, ठीक है। ये मैंने दरवाज़ा बनाया था हमारे वहाँ के लिए, यहाँ पर लगाना था, लेकिन मैंने कहा क्या करना, लगा के यार एक करते हैं, फिर यहाँ से मैंने ना ये लगा के ना ऊपर से देखे नट लगाए हुए हैं, और यहाँ पर ना ये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या सिर्फ रह गया ऊपर दोस्तों हमारा कौन सा है, वो शापर डालने वाला रह गया, वो भी हो ही जाएगा यार, ठीक है। और यहाँ पर बस कुंडी लगेगी, कुंडी तो फौरन लग जानी है, मतलब कि हमारा सेटअप दोस्तों बिल्कुल कम्प्लीट हो गया, बस रंग रुंग रह गए हैं और उसके बाद दोस्तों बहुत बेहतर हो जाएगा, कलरिंग रह गई है और बस शीट शीट रह गई है, जब वो डल जाएगी इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और बाकी जो सामान दोस्तों मैंने कहा वो छत पे फेंक लिया, ठीक है, वो ऊपर ही पड़ा था, नीचे गंदा बनाए, ठीक है। अभी माशाल्लाह हमारे कबूतर में था पेट भर गया उनका, यहाँ से खा के ना उधर चले गए, अभी बाजार पड़ा हुआ है इधर, यहाँ मेरा नाना पड़ा है देखें, लेकिन यहाँ से अभी एक खा रहा है, बाकी सब ने खा लिए। तो अभी हम अपने इन बर्ड्स को भी खोल लेते हैं यार। सबसे पहले दोस्तों हमारे जोगी से स्टार्ट करते हैं, हमारा जोगी सबसे पहले बाहर आएगा। आजो आजो भाई जोगी, आजो भाई, आजो आजो, शाबाश आजो। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जोगी, देखें जैसे जैसे दिन गुजरने के साथ साथ माशाल्लाह हमारा जोगी जोगी नहीं रहता, माशाल्लाह जोगी प्यारा हो रहा है, देखें ये देखें मस्ती, देखें माशाल्लाह इसकी चेक करें। वो मुर्गी को बुला रहा है कि भाई मुझे दाना मिल गया, आखिर ले जाओ। अब उसको क्या पता उस मुर्गी कौन सी है, वो सारी किंग के साथ फिर रही हैं, और किंग खुल गया तो भाई इसने भागम भाग लग जाना, तो इसलिए इनके लिए ना मैं ये इन दो मुर्गों को खोल देता हूँ। अपने शेरू और बबलू को भी खोल देते हैं, आज शेरू और बबलू भी बाहर आ जाओ, और उसके साथ यार उसको कंपनी भी दो, वो बेचारा अकेला हो रहा है, तो उसको कंपनी दो, ठीक है। शेरू बबलू उसको कंपनी देंगे, लेकिन कंपनी देना क्या, इसने उसे उससे भागते ही रहना। अब देखना इनको ना, इन्होंने हमारे कबूतरों के पीछे पड़ जाना, ये काम सीन होता है, इसलिए मैंने दोस्तों इनको पहले खोला और उनको दोस्तों मैंने बाद में खोला, क्योंकि यार ये तंग करते हैं, ये देखें ऐसे काम होता है, इसलिए वो डर के ना फिर वहाँ भाग जाते। अब देखें सारे वहाँ भाग गए, ये देखें इसलिए दोस्तों मैंने क्या करता हूँ, मैं कबूतरों को आज मैंने पहले, अब आइंदा से मैं ऐसे ही करना, कबूतरों को सबसे पहले खोलना है, उनको दाना पानी भी अब खा लेंगे ना, उसके बाद हमने ना अपने मुर्गों को खोलना, ताकि फिर वो दाना पानी खा लें, ठीक है।
अभी सिर्फ हमारे यही रह गए हैं, तो इनको भी दोस्तों हम खोल ही लेते हैं यार, ये भी कुछ घूम फिर ही लें। आजो भाई बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हमारा किंग कौन सा है ना यार, वो अपने ना जोबन में नहीं आ रहा, ठीक है, अपने पर सही तरह नहीं निकाल रहा, इसको पता नहीं क्या मसला। बाकी हमारे बस तो सारे बर्ड्स बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है। और यार हमारी ना इसने 3 ही अंडे दिए हैं, हमारी गुड़िया ने आगे अंडा दिए ही नहीं है, कल भी नहीं दिया था यार, कल मैं आया देखा अभी भी नहीं पड़ा हुआ। अब आज का वेट करते हैं, आज शायद अंडा दे दे माशाल्लाह, तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर अंडा आना दिया फिर कोई मसला बन जाना यार, ये ना हो कि ये अंडे रोक दे। हालांकि मुर्गा भी साथ है, फिर भी पन्नी अंडे क्यों नहीं दे रही। और अब देखे ना बच्चा साथ लग लिख फिर, इस बच्चे का आप कुछ आप देखें, ये कौन सा पिकाचू है, इसका कोई अच्छा काम है आपके सामने? कभी ये इस मुर्गी के साथ होता है और कभी ये इस मुर्गी के साथ होता है, इसका कोई एक माँ बना ही नहीं था। कभी इसके साथ हो जाता है, कभी उसके साथ हो जाता है। और हमारी कौन सी शिजुका है अभी दोस्तों, ये क्रीज में ही है, मतलब कि अभी इसने पूंछ नहीं निकाली, पहले सारी थोड़ी थी, अब सारी इसने पूंछ गिरा दी है। अब इस इंशाल्लाह दोस्तों ये नई पूंछ निकालेगी, उसके बाद दोस्तों ये मुर्गी के साथ पेड़ बना लेगी। बाकी दोस्तों दूसरी मुर्गी है दोस्तों, वो भी अंडे दे रही है, 3 अंडे हुए हैं अभी इसके। उसके बाद अभी इसने आई थिंक 2 दिन हो गए दोस्तों अंडा नहीं दिया, तो इस बात की भी टेंशन बनी है यार, इसने अंडा क्यों नहीं दिया यार, जल्दी जल्दी अंडा दे, और ताकि यार जल्दी जल्दी कड़ूको, फिर आगे सीजन भी है, बच्चे भी निकालने हैं यार, सीजन गुजर जाए उसके बच्चे निकाले, ये फ़ायदा कोई नहीं है यार, तो इसलिए। बाकी दोस्तों हमारे कौन से सारे बर्ड्स हैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव है, हमारे चिकन केज में भी, हमारे सील सेट में भी, और हमारे दोस्तों मास्टर केज में भी सब बहुत बेहतर है। और दोस्तों हमारे कौन से फूल हैं माशाल्लाह, वो भी अपने अच्छे तरीके से खिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे दोस्तों मौसम ठीक होता जा रहा है ना, वैसे वैसे दोस्तों बहुत सुकून मिलता जा रहा है। वरना दोस्तों क्या होता था आपको पता है, मैं वीडियो बना रहा था इतना पसीना आ रहा होता था और बुरा हाल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं आया पसीना, और मैं अच्छी तरीके से कंफर्टेबल होकर वीडियो भी बना रहा हूँ, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, हमारे बर्ड्स भी इंजॉय कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि दोस्तों आप भी मेरी वीडियो इंजॉय करते होंगे। बस दोस्तों एक कुछ ही दिन में, कुछ ही दिन कह रहा हूँ, थोड़े से टाइम में इसके ऊपर हम शॉपर भी डाल देंगे, ठीक है, अच्छे से फिक्स कर देंगे उसको, और यहाँ पर हम कलर भी कर देंगे, फिर हमारा ये सेटअप बहुत प्यारा हो जाएगा। मेरा दिल ऐसे सब पूर्ण मैं कलर करूँगा, सब कलर हो जाएगा ना, फिर माशाल्लाह बहुत प्यारा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल शहर में देहाती माहौल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों मैं जो वीडियो भेजूँ आसानी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।